अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सुमैरा शहजाद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी गर्ल क्लॉथिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ। अगर जो है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई मेक वीडियोज़ रिगार्डिंग क्लॉथिंग हॉल, ट्रेवलिंग एंड एवरीथिंग एल्स। थोड़ी सी वीडियोज़ लेट अपलोड होती हैं, उसकी रीज़न ये है कि बींग अ मॉम आई एम ऑल्सो वर्किंग वूमेन, सो आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ ताकि आप उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ मिनी माइनर का क्लॉथिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ। तो मिनी माइनर इज़ अ वेरी गुड ब्रांड रिगार्डिंग बेबी गर्ल्स एंड बॉयज़ के क्लोथ्स के लिहाज से, और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। पर्सनली लाइक देम, इट इज़ अ बिट कॉस्टली, लेकिन इनका स्टफ़ और इनकी चीज़ों की गारंटी है। मैं प्रमोट नहीं कर रही किसी भी चीज़ को, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इसे एग्री करते हैं तो वेरी गुड, और कमेंट सेक्शन में बताएं आप में से जो मिनी माइनर से शॉपिंग करता है। तो बेसिकली जो है मैं उनके आउटलेट पे गई थी, उन डिस्काउंटेड प्राइस की ऑफ़र थी, अप टू 50%, 30% एंड 70% वाज आल्सो ऑन सम आइटम्स। तो लेकिन वहाँ पे जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने देखा कि उनके कुछ विंटर आइटम्स हैं उन पे भी डिस्काउंट है। ये बेसिकली गुजरांवाला की जो आउटलेट है उसको मैंने विजिट किया, वहाँ से मैंने जो है ये परचेज़ की है। तो सबसे पहला जो ड्रेस देख सकते हैं, गर्ल्स रूल द गैलेक्सी एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पर्पल कलर, और उसके साथ जो है पजामा भी, और ये 50% ऑफ पे था। शर्ट की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 1190 थी, जो कि मुझे तकरीबन 600 में जो है डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस होगी, और इसी तरह जो इसका पजामाज हैं आई थिंक दे वन 1090, तो आप इनका 50% ऑफ कर लें। जो सेकंड यहाँ पे ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत जो है ब्लू कलर में है, इट इज़ बेसिकली ए स्काई ब्लू कलर। और जो मेरी बेटी है इसकी एज अप्रॉक्सीमेटली शी इज़ 11 मंथ्स ओल्ड, लेकिन मैंने उसके लिए थोड़े से बड़े क्लोथ जो हैं वो परचेज़ किए हैं, ताकि जो विंटर्स हैं उसमें थोड़ा सा वो जो है बेबी के लिए कंफर्टेबल रहे। इट इज़ अबाउट 18 to 24 मंथ्स, और ये पजामाज अलग से थे तो मैंने इनको जो है ख़ुद से इसके साथ मैच किया है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके साथ मैच हो गया। जो इस पर बटरफ्लाई बनी हुई है, इट इज़ बेसिकली इन ब्लैक कलर, और ये रेनबो देखें एक तरफ और एक क्लाउड है, बहुत ही खूबसूरत है, और फैब्रिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों को हमेशा ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो बिल्कुल ईजी हों और जिसमें वो कम्फर्टेबल फील करें। स्किन हगिंग या टाइट किस्म के क्लोथ बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते, और थोड़ा सा साइज़ जो है एक दो बड़ा लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि जो है क्योंकि बच्चे जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ऐसे कपड़े होने चाहिए जो आपके कम से कम कुछ अर्सा तक तो चलें। द थर्ड ड्रेस जो आप देख सकते हैं बेबी गर्ल्स का, ये जो है बहुत ही खूबसूरत जो है ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर कह सकते हैं, एंड इट सेज लव, और इस पर आप देख सकते हैं क्लाउड्स भी है, सन भी है, और इसके नीचे जो डिटेलिंग है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल है इसका। इसकी प्राइस भी 1190 रुपीज़ थी, और आफ्टर डिस्काउंट जो है ये मुझे तकरीबन 600 तक था, क्योंकि 50% ऑफ है तो आप हाफ कर दें। 12 to 18 मंथ्स का साइज़ अवेलेबल था, जो भी साइजेस थे 1 ईयर से अबव, और उसमें अगर मुझे कलेक्शन मिल रही थी तो आई प्रेफर टू परचेज देम। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र या पजामा मैच किया है वो भी 12 to 18 मंथ्स, और इसकी प्राइस 1090, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके साइड पे जो है पजामा के लेस लगी हुई है, और वो एक डिफरेंट ही बहुत ही नीट सी और खूबसूरत सी लुक देती है। बींग अ मदर बहुत ही अच्छा फील होता है अगर आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे क्लोथ और मैचिंग के साथ आपको मिल जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ, और अपनी शॉपिंग से ज़्यादा पर्सनली आई लाइक टू शॉप फॉर माय डॉटर। जब से मेरी बेटी हुई है माशाल्लाह से, तब से मैं अपनी शॉपिंग से ज़्यादा उसकी डिस्काउंटेड प्राइसेस, उसकी सेल्स आइटम्स में से बड़े अच्छे अच्छे कलेक्शन जो है वो परचेज़ करना पसंद करती हूँ। जो थर्ड शर्ट जो है, टी शर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट इज़ 9 to 12 मंथ्स, इसकी प्राइस 1090 है। ये 12 to 9 मंथ्स है, लेकिन मेरी जो बेटी है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, शी इज़ कैन कम्फर्टेबली यूज़ दिस वन, और इसकी साइड पॉकेट्स भी हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये शर्ट इसलिए भी मैंने परचेज़ की, मेरे पास ऑलरेडी जो है मिनी माइनर की एक पिंक कलर की पैंट पड़ी हुई थी जो काफ़ी बड़े साइज़ में थी, तो इसके अंदर बेबी पिंक कलर है, वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो इसलिए बेसिकली मैंने ये पैंट के साथ ये जो शर्ट है
ये परचेज़ की। जब ये पैदा हुई तब इसके कुछ कपड़े थे तो उसमें ये पैंट जो थी 12 to 18 months के साइज़ के लिए थी, और अभी तक ये यूज़ नहीं की, तो इट कैन परफेक्टली गोज़ विद दिस शर्ट। तो सो आई ट्राइड के मैं अब इसके साथ जो है ये वाली शर्ट लेके तो इसको विंटर्स में यूज़ कर सकती हूँ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप भी ऐसा करते हैं, कि आपके पास कोई है शर्ट या पैंट्स हैं साइज़ बड़ा है और उसके साथ आप बाद में कोई चीज़ मैचिंग करें तो वो बड़ा अच्छा फील होता है। तो इस तरह से मैंने इसके जो गरम जो है 4 ड्रेसेस लिए हैं, टी शर्ट्स और साथ उसके पजामास। अब यहाँ पे जो है 2 पीस जो है पैक वहाँ पे एक अवेलेबल था, ऑल्दो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए आप, इस पे लिखा हुआ है आई लव डैडी, और जो इसके साथ दूसरी शर्ट है उसके ऊपर जो है इसी तरह से बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक कलर में है एंड इट सेज माई मम्मी थिंक्स आई एम स्वीट। तो ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे, कैमिसोल्स हैं बेसिकली, और ये नेक्स्ट जो समर है उसमें इजीली इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इट इज़ बेसिकली जो है 2 पीस पैक था, 4 ईयर इट सेज, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर्स के लिए भी, 2 ईयर्स के लिए भी। इट इज़ 1150 रुपीज़ और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कैमिसोल है और समर्स में बेस्ट रहती हैं बच्चों के लिए कैमिसोल्स और इस तरह से लूज़ कपड़े। अब आते हैं थोड़ा सा इनकी एक्सपेंसिव वाली साइड पे। बेसिकली मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं इसके लिए ये परचेज़ करूं, बट आई सडनली डिसाइडेड कि क्यों ना अगर सेल है तो मुझे इसमें से कुछ परचेज़ कर लेना चाहिए। आफ्टर डिस्काउंट फिर भी इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। आप इसका फैब्रिक देख सकते हैं, ये बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स सा कपड़ा है एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। कैमरे में इसका कलर इतना खूबसूरत नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का फ्रॉक है। इसके साथ कोई आपको पजामा टाइट्स या कुछ भी नहीं, इट इज़ ओनली अ फ्रॉक। और इसकी जो प्राइस थी वो है 3390 रुपीज़ एंड इट इज़ साइज़ जो मैंने परचेज़ किया 24 to 36 months ओल्ड के लिए। जब आप इतने महंगे कपड़े लें तो क्यों ना उसमें साइज़ एक बड़ा ही लें ताकि आप उसको बाद में भी यूज़ कर सके। तो इसके साथ अब मुझे कुछ मैचिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत ही खूबसूरत है, अगर विंटर्स में कोई शादी वगैरह आती है तो उसमें मेहंदी के फंक्शन पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और जो फ्रॉक की तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ्रॉक है, इसकी लाइनिंग में भी जो कपड़ा है वो बहुत खूबसूरत है। ये भी कैमरा में इतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा जितना ये रियल में है। इट इज़ वेरी, और आप मिनी माइनर जैसे ब्रांड और बाकियों पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड इट सेज कि आपने इसको हैंड वॉश करना है, इसको गर्म पानी में नहीं डालना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इसको तैयार किया गया है, तो इसको ड्राई क्लीन ओनली, सिर्फ ड्राई क्लीन करें। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जो कपड़ा है आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइफ जो है वो रहे। 3 to 4 ईयर्स के लिए है, और लेकिन ये परफेक्टली 2 ईयर्स वालों को भी हो सकती है। फिर 2490 रुपीज़ थी और 50% ऑफ था इस पर भी। आई विश कि मुझे कुछ ऐसे कपड़े मिलते जिन पे 70% ऑफ होता, लेकिन वो ज़्यादातर मेरा ख्याल है बॉयज़ कलेक्शन की तरफ थे। और ये देखें बहुत ही शाइनी, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है। इसके साथ मैं सिल्वर करें के टाइट्स वगैरह सिल्वर शाइन में कुछ अच्छा सा करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब आते हैं थर्ड वाले फ्रॉक की तरफ। इसका फैब्रिक और जो येलो फ्रॉक था उसका ऑलमोस्ट सेम है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी प्राइस जो है वो है हमारे पास 2290 रुपीज़। इट इज़ बेसिकली अ ब्लाउज़ इन नेवी कलर, 18 to 24 months ओल्ड। तो ये भी बहुत खूबसूरत किस्म का फैब्रिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरल है। आप इसके साथ किसी भी कलर का जो है टाइट्स वो यूज़ कर सकते हैं, येलो ऑरेंज ब्लैक में भी, ग्रीन में भी चलेगा, इवन वाइट कैन ऑल्सो बी यूज विद दिस। तो अगर आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।